डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए पढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन को कर रहे थे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, इस क्वेश्चन में हम तीसरा नंबर तक के सॉल्यूशन किए थे। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो जैसे दोस्त तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग किए थे कि नीचे हर में x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री है, तो तीन पार्ट में इसको तोड़े थे। वन बाई एक्स माइनस वन, बी बाई एक्स माइनस टू प्लस सी बाई एक्स माइनस थ्री। चौथा भी सेम वैसा ही है, यानी कि तीसरा बना दिए थे हम, आपको चौथा खुद से बनाना है। सेम प्रोसेस अप्लाई होगा दोस्त, इसलिए ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। ज़्यादा क्या हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे तीसरा बनाए थे वैसे ही चौथा, बशर्ते ऊपर क्या है 3x-1, तो यहाँ रखना है सिर्फ x, और हम लोगों को a b c का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो इस तरीके से चौथा को हम आपको छोड़ते हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x/(x²+3x+2), यानी इंटीग्रेशन करना है 2x/(x²+3x+2)(dx)। जैसा कि देख पा रहे होंगे, नीचे में द्विघात समीकरण है और ऊपर में रैखिक समीकरण है। तो ऐसे सवाल में हम लोग जो पुट करते हैं वो क्या पुट करते हैं, 2x/(x²+3x+2)(ax+b) पुट करते हैं। क्यों ax+b पुट करते हैं, क्योंकि नीचे जो है द्विघात समीकरण है, तब हम उसको ऊपर ax+b पुट करते हैं x²+3x+2। ऐसा करने से नीचे नीचे वाला क्या हो गया, कैंसिल। x का गुणांक क्या है 2, यहाँ x का गुणांक क्या है a, तो 2 बराबर हो गया a, ठीक है। और यहाँ b कितना है, कुछ नहीं, तो 0 के जगह पे b, यानी कि a के जगह पे 2 और b के जगह पे 0 तोड़ दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बात तो वही बन रहा है। तो ऐसा करते हैं हम लोग इसको जो है अलग अलग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, अच्छा एक चीज़ और प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं 2x/(x²+3x+2) है, तो x+1 और x+2 तोड़ लिए इंटू डी एक्स, अब तो बन जाएगा ना भाई। यहाँ हो गया x+1 और x+2, इसको गुणनखंड तोड़ दिया। तो अब हम इसको पुट कर लेंगे दो को पार्ट में, 2x/(x+1) और x+2), इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। एगो a/(x+1)/(b/(x+2)। अब यहाँ से आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा, नीचे नीचे वालों को कट कर दीजिएगा। यहाँ से आपको a का वैल्यू निकाल लीजिएगा और b का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और फिर इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिएगा a और b का मान रख के। यानी कि यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, ऐसा नहीं बनेगा। कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा अगर, तो उसको ट्राई करना है कि कैसे भी गुणनखंड में टूट जाए। अगर गुणनखंड में टूट गया तो हम लोगों को आसान हो गया। ए उसको अलग अलग तोड़कर और ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। जैसे इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम दे लेकर जो आएगा नीचे नीचे वाला, तो ऐसे ही कट जाएगा। अब ए और बी का वैल्यू निकालिएगा, और जो ए और बी का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसके आगे आप पाँचवा को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एग्ज़ाम्पल नहीं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन करना है भाई, 1-x² / x × 1-2x
टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, ये जो क्वेश्चन है वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, तो नीचे भी द्विघात समीकरण बनेगा और ऊपर में भी हम लोगों को द्विघात समीकरण बनेगा। तो ऐसे में हम लोग इसको करते क्या हैं कि अलग अलग इसको तोड़ेंगे अगर, तो हम लोगों का बात नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो फिर अच्छा देखते हैं, अलग अलग हम लोग इसको करते हैं। तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, वन बट्टा एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स और पूरा का डी एक्स। इसको दोस्त अलग अलग तो कर सकते हैं, एगो इंटीग्रेशन होगा कितना, तो एक इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन वन बाई एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स डी एक्स और माइनस एक्स से एगो एक्स तो कट गया, तो ऊपर में बचेगा एक्स बट्टा वन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग इसको करते क्या हैं, सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इसको मान लीजिए आप आई वन, ठीक है, ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको आप मान लीजिए आई वन और इसको मान लीजिए आप आई टू, ठीक है। तो आई वन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाई एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर आप पुट कर लीजिएगा वन बाई एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ए बट्टा में एक्स, ठीक है, इसको अलग अलग तोड़ दीजिएगा, ए बट्टा एक्स प्लस बी बट्टा वन माइनस टू एक्स, ठीक है। आप इसका और इसका ए सॉल्यूशन कीजिएगा, ए और बी का वैल्यू निकाल कर इसको आई वन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब रहा बात कि सर आई टू को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई टू में आप क्या कीजिएगा, दिखा देते हैं आई टू, आई टू है हम लोगों का एक्स बट्टा वन माइनस टू एक्स, एक्स बट्टा वन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। आप कीजिएगा क्या कि वन माइनस टू एक्स को मान लीजिएगा टी, ठीक है, तो वन का तो डिफ्रेंसिएशन जीरो, माइनस टू एक्स का माइनस टू और डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी बटा में टू, और इस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वन है, इधर आएगा तो माइनस वन, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा टी माइनस वन बट्टा माइनस टू, ठीक है, ये एक्स के जगह पे हो जाएगा। तो आप कीजिएगा क्या, ऊपर एक्स है तो एक्स के जगह पे रख दीजिएगा टी माइनस वन बटा में माइनस टू, टी माइनस वन बटा में माइनस वन माइनस टू इंटू डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी बटा में टू और यहाँ पे टी। करिएगा क्या कि ये माइनस वन बाई टू बाहर निकलेगा, तो अच्छा एक मिनट, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस और वन बाई टू यहाँ से बाहर, वन बाई टू यहाँ से बाहर, तो टोटल मिलाकर वन बाई फोर बाहर, ऊपर बच गया टी माइनस वन बटा टी डी टी। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वन बाई फोर को तो बाहर रख सकते हैं, अब इसको अलग अलग करेंगे तो टी से टी कट जाएगा, तो वन डी टी और माइनस वन बाई टी डी टी, ठीक है। तो वन बाई फोर, अब वन का इंटीग्रेशन सिर्फ टी हो जाएगा, डी एक्स का होता है एक्स, तो डी टी का हो जाएगा टी, और माइनस वन बाई टी का क्या होता है लॉग टी, और टी किसको माने, वन माइनस टू एक्स, तो यहाँ रख देंगे वन बाई फोर और टी के जगह पे वन माइनस टू एक्स माइनस लॉग टी, टी के जगह पे वन माइनस टू एक्स। और दोस्तों यहाँ एक्स के बगल में क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू से डिवाइड कर देंगे, तो कुल मिलाकर आई टू हो जाएगा माइनस वन बाई एट
लॉग, सॉरी लॉग नहीं, 1 माइनस 2x माइनस लॉग 1 माइनस 2x, ठीक है। तो आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। हालांकि जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो भी इजी वे में बन जाएगा। 7 नंबर हिंट्स कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन डी एक्स। इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट एक्स बाई पहले एक्स माइनस वन को लिखें, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखें, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं 7 नंबर को। अच्छा, फिर हम लोग इसके इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, तो बट्टा में लीनियर इक्वेशन है तो आप थोड़िएगा ए बट्टा एक्स माइनस वन, ठीक है। फिर प्लस द्विघात समीकरण है, इसको आप बी एक्स प्लस सी साथ में तोड़िएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप यहाँ से सॉल्व करके ए का बी का सी का सॉल्व करके वैल्यू निकालिएगा, फिर इसको अलग अलग पुट डाउन कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक सवाल बन जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है 7 नंबर क्वेश्चन तक के सॉल्व करना है, फिर हम लोग अगले दिन 8 नंबर क्वेश्चन से आगे के काम को करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।